बाबा देख रहे हो सब्जियां कितनी महंगी हो रही है, तो भी अपने देश के किसानों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। बेटा जब तक इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। खैर ये सब कुछ तू छोड़, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। बाबा पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, और पता है अर्जुन भैया ने इस बार क्लास में टॉप किया है। अच्छा हाँ। देख अपने भैया को, वो कितनी मेहनत करता है, तू भी कुछ सीखा कर उससे। ठीक है बाबा। बेटा मनीष, मनीष बेटा, मनीष क्या हुआ तेरे को, आके तो खोल बेटा, बेटा बेटा आके खोल। मनीष खड़ा हो, ले पानी पी। हम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के, हम तो नहीं। और अब तबीयत कैसी है तेरी? भैया तबीयत तो ठीक है, पर मुझे हुआ क्या था वो? मनीष तुझे कुछ नहीं, मनीष तुझे हल्का सा चक्कर आ गया था धूप के कारण, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन आराम करना। ठीक है बाबा। और हाँ मैं थोड़ा बाजार जाके आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अर्जुन तू मनीष का ध्यान रखना। ठीक है ताऊ जी। डॉक्टर साहब वो मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो तैयार तो हो जाएगा ना? देखिए अभी तो आपका बेटा खतरे से बाहर है, पर उन्हें ब्लड कैंसर होने के कारण हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को कैसे भी बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए आप जल्दी 2 लाख का इंतजाम कर लीजिए, हम इधर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। अंकल जी आपने मुझे यहाँ पर अर्जेंट में क्यों बुलाया? इकबाल मुझे ना 2 लाख रुपए अर्जेंट जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकता है? अंकल जी 2 लाख रुपए, आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, क्या हुआ? इकबाल मेरे बेटे मनीष को ब्लड कैंसर है और उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 2 लाख रुपए? पर अंकल जी इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा? बेटा अब तू ही मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं जिन अपना मानता था उन सबने मुझे पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, अब बस तू ही आखिरी सहारा है मेरा। अंकल जी 2 लाख तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको 50,000 तक दे सकता हूँ, पर इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होंगे। पर बेटा एक बात, फिर भी 1.5 लाख तो कम पड़ेंगे ना? अंकल जी अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? जो आपने हाल ही में अर्जुन को KTM बाइक दिलाई है, अपन उसको बेच के आपके बेटे का ऑपरेशन करवा सकते हैं। क्या उसकी बाइक को वापस बेच दूं? तुझे पता भी है KTM बाइक अर्जुन का सपना है, और अगर मैं उसे वापस बेच दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अंकल जी बाइक बेच नहीं सकते, पर चोरी तो हो सकती है ना? मतलब तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ आप बाइक बेच नहीं सकते, पर मैं चोरी तो कर सकता हूँ, इससे आप पर किसी को शक भी नहीं होगा और आपके बेटे का ऑपरेशन भी हो जाएगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। एक बार फिर सोच लीजिए, बाइक फिर से आ सकती है लेकिन बेटा नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए, बाइक फिर से आ सकती है लेकिन बेटा नहीं।
इकबाल अंकल जी, इकबाल तूने सही बोला था कि बाइक तो फिर से आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब तुझे ही बाइक चोरी करनी होगी। अंकल जी आप मुझे बता दीजिए ये सब मुझे करना कब है? ये सब तुझे कल ही करना होगा जब मनीष और अर्जुन स्कूल के लिए जाएंगे। ठीक है, आपका ये काम कल तक हो जाएगा। और बेटा ये सब कुछ हो गया। ताऊ जी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मनीष के लिए मैं गाड़ी क्या अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अर्जुन बेटा मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है ताऊ जी। बाबा कम तो नहीं है कितनी दफा। बाबा और अर्जुन भैया मुझे आज पता चला मेरी असली दुनिया आप हो और आपके होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता है। और होने भी नहीं देंगे। सुन चल तेरा ऑपरेशन है तो अभी जाके तू आराम कर। अर्जुन मनीष को लेके जा। ठीक है ताऊ जी चल।